कल्ब जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कल्ब ईमान कल्ब में होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अपने कल्ब को, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करें, अपनी आँखों को वो चीज़ मत दिखाएं जिससे आपकी इनोसेंस आया हो, अपने आप को वो कंटेंट मत सुनाएं जिससे आपकी इनोसेंस खतरे में पड़े, चाहे वो टिकटॉक का कंटेंट है, चाहे वो ऐसा मजाक है जिससे आपकी इनोसेंस जा सके। यकीन करें, आप किसी गाँव वाले बंदे के साथ बैठे जिसे कुछ नहीं पता, आप हैरान हो जाते हैं, अरे कितना इनोसेंट है। वही पुरानी ज़हनियत के माँ बाप की खिदमत और बड़ों की खिदमत और वैल्यूज़ को फॉलो करना बड़ा। हमारा जो बच्चा है स्कूल का, हर बात में गंदा मीनिंग, इनोसेंस कहाँ गई? क्योंकि कंटेंट वैसा देख रहा है ना, हर चीज़ से गंदा, में हर वर्ड का गंदा मीनिंग, टीचर की हर बात का गंदा मीनिंग। वो टीचर को समझ आ रही होती बहुत अच्छे से, लेकिन हर चीज़ में गंद, हर चीज़ में गंद, कल्चर हमारा ये बन चुका है। तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करें, आपका दिल बहुत कीमती है, इसको बचाएं, इसको एक्सपोज ना करें, इसका कोई कसूर नहीं है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसके सारे लिम्ब्स यानी उसके सारी चीज़ें ज़बान से पनाह मांगते हैं, कहते हैं कि हम तेरे रहमो करम पे हैं, हमारा ख्याल कर लें, अगर तूने सही ज़बान अल्फाज अदा किए हम ठीक रहेंगे। अल्लाह का जिक्र किया, कोई अच्छी बात की, सोच समझ के बोला, लेकिन अगर तूने फजूल गुफ्तगू की तो फिर हम भी जो है वो मसले में पड़ जाएंगे। तो ये है ज़बान, और ज़बान का कनेक्शन दिल से। इब्ने कय्यिम ने कहा कि अगर तुमने किसी के दिल की हालत देखनी है तो उसकी ज़बान देख लो, उसकी ज़बान तुम्हें बता देगी उसके दिल पे क्या चल रहा है। अगर वो कड़वी ज़बान है इसका मतलब बेचारा बड़े प्रॉब्लम में, इसका मतलब उसके दिल की बड़ी वर्किंग। अगर वो शुक्रगुजारी वाली ज़बान है, अगर वो बड़ी पॉजिटिव टॉक करता है, अगर वो गुस्सा बर्दाश्त कर जाता है, घर वालों के साथ अच्छा है, रवैया अच्छा है, ज़बान बहुत अच्छी, इसका मतलब दिल अच्छा है, कल्ब अच्छा है। तो हम अपनी ज़बान एक बार देख लें कि हमारी ज़बान कैसी है। हम कहीं ऐसा तो नहीं बाहर बहुत अच्छे हैं, माँ बाप के साथ हमारी ज़बान बहुत चलती है और बहन भाइयों के आगे बहुत चलती है या बीवी के आगे बहुत चलती है, तो ये इसका मतलब दिल पे फिर काम होने वाला है ज़ाहिर है। तो इसलिए अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। सही बुखारी के हदीस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बिवेयर, खबरदार, देर इज़ अ पीस ऑफ फ्लैश इन द बॉडी, तुम्हारे जिस्मों में एक लोथड़ा है, इफ़ इट बिकम्स गुड एंड रिफॉर्म द होल बॉडी बिकम्स गुड, अगर ये रिफॉर्म हो जाएगा तमाम बॉडी रिफॉर्म है, बट इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया फिर सब कुछ ख़राब है, फिर ज़हनियत ख़राब है, ज़बान ख़राब है, एक्शंस ख़राब है, अमल ख़राब है, फिर वसवसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल पे काम ही नहीं हुआ ना, फिर वो बंदा फंस जाता है, डिप्रेस रहना, डीमोटिवेटेड रहना, वसवसों का आना, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ, वगैरह वगैरह, क्योंकि दिल पे काम नहीं किया। इसलिए वो कौन सा पार्ट है, दैट इज़ दी हार्ट, वो है तुम्हारा कल्ब। इसलिए अपने कल्ब पे रहम करो, अपने कल्ब पे वर्किंग करो। कल पे वर्किंग करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। पहली तो बात, नमाज़ें 5 कायम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह, और एक आधा को ऐसा टाइम रखें जब आप कुरान की 10 आयतें पढ़ लें। उसके आप ऐसे ऐसे फ़ायदे ज़िंदगी में देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन टाइम निकाल लें, कोई 10 मिनट निकाल लें, 15 मिनट एक रुकू पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें, आजकल क्या मुश्किल है, मोबाइल निकाला पढ़ना शुरू कर दें। असर की नमाज़ के बाद रख लें टाइम, वहाँ बैठे बैठे मस्जिद में अगर आप गए, वहाँ बैठे बैठे मोबाइल निकालें, पढ़ना शुरू कर दें, आप उसके असरात देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उसका दिल पे भी आप असर देखेंगे, आपका दिल स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये एक टिप है। इस्तग़फ़ार बढ़ाएं और कुरान पढ़ें डेली, लेकिन करना है आपने ये, आप उसके इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त असरात अपने दिल पे देखेंगे और अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात में इंशाल्लाह देखेंगे।